नमस्कार दोस्तों, विनय सर 100 चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं हूं विनय कुमार। दोस्तों आज हम जीएसटी के पर्पज से लेजर बनाएंगे, किस प्रकार से हम लेजर बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैंने अपने वीडियो नंबर 6 में कंपनी के अंदर जीएसटी ऑन करना बता दिया। अगर आपने जीएसटी ऑन नहीं कराया कंपनी में तो मेरी वीडियो नंबर 5 को देख कर जीएसटी के अंदर जीएसटी वाले फीचर को ऑन कर सकते हो। तो जैसे मैंने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रखी है, जो मैंने अपनी वीडियो नंबर 5 में बनाई थी, वही मेरी कंपनी है। इस कंपनी के अंदर मैं लेजर बनाऊंगा क्योंकि जीएसटी के पर्पज से, ठीक है, उद्देश्य से। तो मैं अकाउंटिंग इन्फो पे क्लिक करूंगा। अकाउंटिंग इन्फो पे क्लिक करने के बाद लेजर पे क्लिक करूंगा। लेजर पे क्लिक करने के बाद क्रिएट पे क्लिक करूंगा। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद मैं लेजर बना लेता हूँ। जैसे कि मैं किसी राम व्यक्ति से सामान खरीदता हूँ तो ये मेरा क्रेडिटर है, तो मैं अपनी पहचान के लिए मैं यहाँ पे सी टाइप कर देता हूँ क्योंकि ये क्रेडिटर है, ठीक है। और मैंने एसी टाइप कर दिया, राम सी अकाउंट, क्योंकि ये मेरा क्या है, क्रेडिटर है, तो मैंने यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद इसको यस कर देना, इसको नो, इसको भी नो, और यहाँ पर एड्रेस डाल देना। ये मैंने एड्रेस डाल दिया जवान नगर, और मैंने एंटर कर दिया। मैंने कंपनी उत्तर प्रदेश के नाम से बनाई थी और उत्तर प्रदेश स्टेट के नाम से बनाई थी, वही स्टेट भी उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर पिन कोड सिलेक्ट कर लेना, तो पिन कोड भी मैं सिलेक्ट कर ही लेता हूँ। पिन कोड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पिन नंबर टाइप कर देना। पिन नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पे रेगुलर, यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर टाइप कर देना, ठीक है। जीएसटी नंबर जो भी होगा वो आप टाइप कर सकते हो, और यस एंड एंटर। इस प्रकार से आपको राम सी के नाम से एक लेजर बना लेनी है, जो कि ये हमारा क्रेडिटर है। ये क्या हमारा क्रेडिटर है, जिससे हम सामान खरीदेंगे वो व्यक्ति है राम सी, और यस कर लेना। एक बनाएंगे हम मोहन के नाम से, ठीक है। तो ये हमने बनाया डी, तो ये हमारा क्या, मोहन है डेटर से, हमारा डेटर जिसको हम सामान बेचेंगे। तो यहाँ पे संडे डेटर सेलेक्ट कर लेंगे, सेनिटेटर कर लिया, यहाँ पे यस, यहाँ पे नो, और यहाँ पे इसका एड्रेस डाल देंगे। हमने डाल दिया विकास कुंज लोनी, ठीक है। इंडिया रेंज दिया, स्टेट उत्तर प्रदेश रेंज दिया, इसका भी पिन कोड सेम रेंज दिया, ठीक है। जहाँ जिस एरिया की कंपनी थी उसी एरिया के जो व्यक्ति हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश में ही रहने वाले व्यक्ति हैं सारे। यहाँ पे आपको पेन नंबर डाल देना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप में देखो, यहाँ पे चार रजिस्ट्रेशन टाइप दिख रहे हैं, एक कंपोजिशन, एक कंज्यूमर, एक रेगुलर और एक अनरजिस्टर। तो मैं चारों रजिस्ट्रेशन टाइप के बारे में बता देता हूँ। कंपोजिशन वो होते हैं जो अपना टैक्स एक साल में पे करते हैं, और कंज्यूमर वो होते हैं जैसे कस्टमर, जैसे आम में जाओ कि आप डायरेक्ट मोबाइल लेने जाते हो किसी भी शॉप पे, आप हैंड टू हैंड आपको उसको पैसे दे देते हो, तो आप कंज्यूमर हो, क्या आप कस्टमर हो, तो कंज्यूमर। रेगुलर वो होते हैं जो अपना टैक्स सालाना पे करते, माने कि सालाना सॉरी मंथली, हर महीने पे करते। अनरजिस्टर्ड वो होते जिनके पास जीएसटी नंबर, माने कि जीएसटी नंबर नहीं होता, ठीक है, तो वो अनरजिस्टर्ड होते हैं। रेगुलर वो जो अपना टैक्स मंथली पे करते हैं। कंज्यूमर वो जो डायरेक्ट लेते हैं और टैक्स भी दे देते हैं हैंड टू हैंड, जैसे आप हो कस्टमर हो, कस्टमर हमारा कंज्यूमर होता है, ठीक है। और अनरजिस्टर्ड वो जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं होता, ठीक है। एंटर कर दिया, मैं रेगुलर कर देता हूँ, और जीएसटी नंबर आपको टाइप कर देना है, मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ, ठीक है, यस कर दिया। मैंने दो लेजर बना लिए, एक राम के बना लिए और एक मोहन डी के नाम से बना लिया, ठीक है। और एक मैं बना लेता हूँ दीपक के नाम से। दीपक ये भी हमारा क्या है, डेटर से, ठीक है। दीपक भी हमारा डेटर से, डी मैंने टाइप कर लिया और मैंने इसको सेंडी डेटर नहीं दिया, और इसका एड्रेस कर दिया मैंने जगतपुरी, जो कि दिल्ली में है, ठीक है। और मैंने इसका स्टेट दिल्ली सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि मैं इस पर IGST लगाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने इसे दिल्ली में कराया जगतपुरी। मेरी कंपनी कहाँ की थी, उत्तर प्रदेश की थी, और जो ये व्यक्ति है दीपक डी, ये जिसको हम सामान बेचेंगे वो हमारा डेटर्स है, ठीक है, वो क्यों और कहाँ का है, दिल्ली का रहने वाला है। इसका पिन कोड सिलेक्ट करेंगे, तो
यहाँ पर रेगुलर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जीएसटी नंबर टाइप कर देना और एंटर। तो मैंने तीन लेजर बना लिए, एक राम के नाम से, एक मोहन के नाम से, एक दीपक के नाम से। ठीक है, तीन लेजर बनाने के बाद आपको एक परचेज का लेजर बनाना है। परचेज का लेजर बनाने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे परचेज, आपको परचेज सिलेक्ट कर लेना है, जैसे यहाँ पे परचेज है इस पर क्लिक कर लेना, परचेज करने पर इसको यस, और यहाँ पे नोट एप्लीकेबल, यहाँ पर एप्लीकेबल रहने देना और यहाँ पे नो कर देना, यहाँ पर गुड्स कर लेना है, टाइप ऑफ सप्लाई में क्या कर लेना, गुड्स कर लेना है, गुड्स कर लिया। गुड्स करने के बाद यहाँ पे नो रेन देना है। इस प्रकार से आपको इसका लेजर बना लेना है। अब सेल का लेजर बनाएंगे, सेल अकाउंट, ये सेल अकाउंट के अंदर जाएगा और यहाँ पर आपको यस कर देना है और यहाँ पे नोट एप्लीकेबल कर देना है, यहाँ पे एप्लीकेबल रेन देना है, यहाँ पे नो रेन देना है और यहाँ पे गुड्स कर लेना है टाइप ऑफ सप्लाई में नो। दो लेजर बन गए, सेल का एक परचेज का। अब आपको जीएसटी के लेजर बना लेना है। पहले हम बना लेते हैं सीजीएसटी का, सीजीएसटी टाइप ड्यूटीज एंड टैक्स के अंदर जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्स, और यहां पे आपको जीएसटी सिलेक्ट कर लेना है। जीएसटी सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आपको सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स सिलेक्ट कर लेना है और यहां पर आपको 9% दे देना है सीजीएसटी, और यहाँ पे नोट एप्लीकेबल रहने देना है और यहाँ पे नो और यस कर देना और एक्सेप्ट करना। अब आपको एसजीएसटी का लेजर बनाना है और इसे ड्यूटीज एंड टैक्स के अंदर डालना है और यहाँ पे जीएसटी सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर स्टेट टैक्स में सिलेक्ट कर लेना है स्टेट टैक्स, और यहाँ पे 9% टाइप कर देना है और यहाँ पे नोट एप्लीकेबल रहने देना है और यहाँ पे नो और एंटर और यस। अब आपको आईजीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स, यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्स नहीं देना है और यहाँ पे जीएसटी सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर 18% कर देना है और यहाँ पे नोट एप्लीकेबल। दोस्तों, क्योंकि हमने सीजीएसटी 9% लगाया है और एसजीएसटी 9% लगाया है, तो इसी प्रकार से हमारा आईजीएसटी टोटल जुड़ के 18% लगेगा। ये 18% हमने क्लिक कर दिया और यस कर दिया। तो हमने तीन लेजर बना लिए, और सी जी एस टी की, एस जी एस टी की, आई जी एस टी की, तीन लेजर ये हो गई। सेल की, परचेज की, पांच लेजर हो गए। एक बनाई हमने राम की, एक बनाई हमने मोहन की, एक बनाई हमने दीपक की। तो हमने केवल 8 लेजर बनाए। आपको इस प्रकार से 8 लेजर बना लेनी है, ठीक है। 8 लेजर बनाने, 8 लेजर बनाने के बाद आपको जाना है इन्वेंट्री इन्फो में। इन्वेंट्री इन्फो में आ गए। इन्वेंट्री इन्फो में आने के बाद आपको जाना है स्टॉक ग्रुप्स पे। स्टॉक ग्रुप्स पे जाने के बाद क्रिएट कर देना है। हम बना लेते हैं मोबाइल का ग्रुप। मोबाइल का बनाने के बाद यहाँ पर एंटर 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 कर लेना है। एस्केप से बाहर जाना है ESC कीबोर्ड के लेफ्ट कॉर्नर बटन होगा एस्केप। अब आपको यूनिट ऑफ मेजर बनाना है, मात्रा, मैंने कि किस मात्रा में पीस ले रहे हैं। यहाँ पे हम टाइप कर देंगे पीस। मोबाइल किस में ले जाते हैं? पीसेस में ले जाते हैं। पीस टाइप कर लिया और यस कर देना, एंटर 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 करने के बाद एस्केप कर लेना। अब हम जाएंगे स्टॉक आइटम में, स्टॉक आइटम पे क्लिक कर लेंगे और क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद हमने जैसे वीवो V11 प्रो, Vivo V11 Pro हमने टाइप कर लिया और इसे मोबाइल के अंदर सिलेक्ट कर लेंगे और इसे पीसीस के अंदर सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर एप्लीकेबल रहने देंगे और यहाँ पे नो कर देंगे, यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स कर लेंगे और यहाँ पर एंटर। यहाँ पे कुछ नहीं डालना है आपको, यहाँ पे भी कुछ नहीं डालना है। Vivo V11 Pro का हमने एक स्टॉक बना लिया है, ठीक है। यहाँ पर हमने 8 लेजर बनाए थे अकाउंटिंग इन्फो के अंदर, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेजर पे जाकर, अल्टर पे जाकर आप देख सकते हो कि हमने लेजर बना रखे। एक हमने बनाया था सीजीएसटी का, एक हमने बनाया था दीपक का, आईजीएसटी का, मोहन का, और परचेज का, राम का, सेल का और एसजीएसटी का। तो सारे लेजर हमारे दिख रहे हैं, ये 8 लेजर हैं। और हमने एक बनाया है इन्वेंट्री इन्फो के अंदर, इन्वेंट्री इन्फो के अंदर स्टॉक आइटम में
और अल्ट्रा पे जाके देख सकते हो कि हमने Vivo V11 Pro का ये बना रखा था एक स्टॉक, ठीक है, Vivo V11 का स्टॉक अपने बना रखा है। तो इस प्रकार से तो हमने सभी लेजर बना लिए। अब दोस्तों आपको GST के पर्पज से लेजर बनाना आ चुका होगा। मैं आने वाली अपनी नेक्स्ट वीडियो में सेल और परचेज एंट्री करूंगा और इसके साथ साथ पेमेंट भी करूंगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो दोस्तों अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और GST के इस कोर्स के साथ जुड़ जाइए। और जिस किसी ने मेरी पहली वीडियो को नहीं देखा, वीडियो नंबर 1 को, वीडियो नंबर 2 को और वीडियो नंबर 3, तो लाइन तरी मेरी वीडियो को देख लीजिए प्लेलिस्ट के माध्यम से। और जब मेरी प्लेलिस्ट के माध्यम से आप वीडियो को देखोगे तो आपको ये वीडियो भी बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।